आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी की बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी। और अगर आप भी पत्ता गोभी की स्मेल की वजह से उसे नहीं खा पाते हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो के आसपास पत्ता गोभी लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इनका जो हार्ड पोर्शन है ना, यानी कि जो कड़ा भाग है ना, इनको काट करके हम निकाल देंगे इस तरीके से। और पत्ता गोभी को बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके से काटने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। झटपट आप इनको 2 मिनट में काट कर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल एक समान। तो इनको काटने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये स्लाइसर, जिसमें आप चिप्स काटते हैं ना ये, और इसमें हम यहाँ पर ये जो ब्लेड है ना, थोड़ी सी तेज़ धार वाली होती है, तो बहुत ही केयरफुली आप इनको इस तरीके से रगड़ लें और आप देखेंगे कि बिल्कुल एक समान ये हमारे पत्ता गोभी के पतले पतले लच्छे तैयार हो जाते हैं। आप इनको इस तरीके से शायद चाकू से ना काट पाएँ तो स्लाइसर से काटें और झटपट ये हमारा कटकर तैयार हो जाता है। तो सारे हम पत्ता गोभी इसी तरीके से काट लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा मोटे भी यूज़ कर सकते हैं चाकू की मदद से, तो ज़रूर से ये तरीका अपनाइएगा। चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाएंगे। पत्ता गोभी काटने का ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक समान बिल्कुल ये सारे पत्ता गोभी हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर से दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटी सी घंटी आएगी उसको भी ज़रूर से दबा लीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा बर्तन, यानी कि कोई भी भगोना या फिर पतीला ले लें और इसमें हम ये सारे पत्ता गोभी डाल देंगे। अगर आपको इसकी स्मेल नहीं पसंद है तो आप ये तरीका ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी पत्ता गोभी की स्मेल नहीं आएगी। इसमें हम लगभग 1 कप पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक, लगभग आधी छोटी चम्मच, और इनको हम 1 उबाल आने तक कुक करेंगे। ज़्यादा नहीं उबालें, बस 1 उबाल आने तक पकाएंगे। तो मध्यम आंच पर हम इनको 1 उबाल आने तक पका लिए हैं। आप देख सकते हैं ये पानी अच्छे से उबल रहा है और बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। अब हम इनको छान करके अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं जो पत्ता गोभी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो पत्ता गोभी उबालने के बाद जो पानी बच गया है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस चले गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे आप चाहें तो उस पानी से आटा भी गूंथ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पत्ता गोभी लिए थे, आप देख सकते हैं उबल गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा कुक नहीं किया है मैंने, सिर्फ 1 उबाल आने तक ही पकाया है। चलिए अब हम इनको कुक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कढ़ाई ली है और इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं या फिर घी डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, ये सादा जीरा है, आप नॉर्मल जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टुकड़ा तेज पत्ते का। आप इसमें और भी साबुत मसाले ऐड कर सकते हैं अगर आपको गर्म मसालों का टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो। और इनको डालकर हम बढ़िया से क्रकल होने देंगे। तो देख सकते हैं ये बढ़िया से क्रकल हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन और हरी मिर्च। मैंने 2 लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्च का यूज़ किया है और इनको टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो पेस्ट बना करके भी ले सकते हैं। इनको हम तेल में डालेंगे और थोड़ी देर भुनेंगे, लगभग 10 सेकंड के लिए। कलर चेंज होने तक का वेट नहीं करना है, लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। और तुरंत ही हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून प्याज बारीक काट करके लिया है, लगभग 1 बड़ा साइज़ का प्याज और थोड़ा सा और, यानी कि 1.5 प्याज का मैंने यूज़ किया है। और बारीक बारीक काट करके हम तेल में डाल देंगे और प्याज को हमें मध्यम आंच पर बढ़िया से सुनहरा होने तक पकाना है। प्याज में कच्चा टेस्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए आप इनको धीमी आंच पर बढ़िया से पकाएं, जिससे कि ये अच्छे से सुनहरे हो जाए और कच्चा टेस्ट बिल्कुल ना रहे। तो देख सकते हैं प्याज हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है और बहुत ही अच्छे से सुनहरा कलर भी आ गया है, कच्चा टेस्ट बिल्कुल नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर, जिसका मैंने प्यूरी बनाकर लिया है। तो ये मैंने ग्राइंड करके नहीं लिया है, इसको मैंने ग्रेट करके लिया है टमाटर। ग्रेट किए हुए टमाटरों का टेस्ट बहुत अलग होता है सब्ज़ी में डालने पर। तो ये 2 टमाटर हैं जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है, तो इसको डाल देते हैं हम प्याज के साथ। और अब हम इनको बढ़िया से कुक करेंगे, क्योंकि टमाटर हमारे कच्चे थे तो इनको अच्छे से पकाना ज़रूरी है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1/2 छोटी चम्मच, और अब टमाटर और प्याज को अच्छे से मिलाएंगे। और जब तक ये मिक्सचर हमारा ड्राई नहीं होता तब तक हम इनको धीमी आँच पर भून लेंगे। तो देख सकते हैं टमाटर हमारा बढ़िया से कुक हो गया है, जो मिक्सचर है वो तेल अलग होने लगा है उससे, ये देखिए। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी से सूखे मसाले। तो सबसे पहले 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर,
आधे छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर या फिर किचन किंग मसाला ले लें। और इसकी रेसिपी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। किचन किंग मसाला और गरम मसाला दोनों की रेसिपी आपको मिल जाएगी। एक बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बेसन, और ये भुना हुआ बेसन नहीं है, कच्चा बेसन ही है। एक बड़ा चम्मच डालेंगे और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहें तो इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन सारे मसालों को हमें 10 सेकंड तक भुनना है धीमी आंच पर, ताकि जो बेसन हमने ऐड किया है वो भी बढ़िया से कुक हो जाए। तो देख सकते हैं बेसन हमारा सारे मसालों के साथ अच्छे से कुक हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मसालों को हल्का सा और भून लेंगे, ताकि ये थोड़े से गीले भी हो जाए। अगर आप दही नहीं खाते हैं तो बिना दही के भी बना सकते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे दही। मैंने यहाँ पर ये फेटी हुई दही ली है, लगभग 2 टेबलस्पून। चाहे तो बिना दही के भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये दही मैं इसमें डाल दूंगी, और ध्यान रहे मसाला अच्छे से कुक होने के बाद ही हमें दही डालना है, क्योंकि अगर दही आप पहले ही डाल देंगे तो टमाटर के खट्टेपन की वजह से हो सकता है दही सब्जी में ही फट जाए। तो इसलिए अच्छे से मसाला कुक हो जाए उसके बाद दही डालें और इनको अच्छे से पका लें। ये देखिए दही हमारा बढ़िया से कुक हो चुका है मसालों में, और तेल अलग होने लगा है। अब हम ये पत्ता गोभी जो उबाल कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 2 टेबलस्पून, और अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको सब्जी बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली चाहिए तो आप इसमें 1/2 कप पानी डालें, और अगर सूखी सब्जी आपको खानी है तो आप इस तरीके से बस हल्का सा मिला लें, और इसको थोड़ी देर कुक करने के बाद गैस से उतार सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, तो 1/4 कप पानी डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि जो मिक्सचर है मैं सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रख रही, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला था तो सब्ज़ी ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 1/4 कप पानी डाला है। ये देखिए, और पानी डालने के बाद हम इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से, जो पत्ता गोभी हमारी थोड़ी बहुत कच्ची है, वो अच्छे से कुक हो जाए। तो देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी काफ़ी हद तक अच्छे से तैयार हो चुकी है। हम इसमें हरे धनिया के पत्ते डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। चाहें तो आप थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हैं धनिया की जगह पर, और इनको अच्छे से मिला लें। आप इसमें और अलग टेस्ट देने के लिए आलू और हरे मटर भी डाल सकते हैं। वैसे ही सिंपल पत्ता गोभी भी बहुत अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी तैयार है, चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना यम्मी लग रहा है, सब्ज़ी बहुत शानदार बनी है। तो एक बार ज़रूर से बनाइएगा। अगर आपको पत्ता गोभी इसकी स्मेल की वजह से आप नहीं खाते हैं, तो एक बार ये तरीका ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। स्मेल बिल्कुल गायब है और सब्ज़ी बहुत शानदार बनी है। इस तरीके से एक बार बनाइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा। और भी ढेर सारी रेसिपीज़ के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।